हाँ, हमारा जो टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस, कैसे एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस की जाती है। उसका एक सिंपल फॉर्मेट आप याद रखें, फॉर्मेट हम नहीं कह सकते, आप इसको सीखने के लिए एक सिंपल इस फॉर्मेट को देख सकते हैं। कोई मैंडेटरी रूल फॉर्मेट का नहीं है ये। तो पहला सीरियल नंबर, दूसरा ट्रांजेक्शन, पहला सीरियल नंबर, दूसरा ट्रांजेक्शन, और उसके बाद तीसरा अकाउंट्स इन्वॉल्व, अकाउंट्स इन्वॉल्व, ठीक है। उसके बाद है अकाउंट्स इन्वॉल्व, उसके बाद है नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, उसके बाद है बेटा आप उसके बाद रिमार्क्स भी इसमें डाल सकते हो, रिमार्क्स, इससे आसान हो जाएगा फिर। और फिर उसके बाद देखेंगे डेबिट और क्रेडिट, डेबिट करना है किस चीज को, क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट। पहला आएगा सीरियल नंबर, फिर आएगा ट्रांजैक्शंस, उसके बाद अकाउंट्स इन्वॉल्व, उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट, उसके बाद आप रिमार्क्स रख सकते हैं, फिर उसके बाद डेबिट है कि क्रेडिट है वो हम देख लेंगे। तो ये एक सिंपल तरीका है जिससे हम एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। सो जर्नल की बेस है ये, जर्नल के लिए फाउंडेशन है। सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद ट्रांजैक्शन, उसके बाद अकाउंट्स इन्वॉल्व, उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट, उसके बाद रिमार्क्स, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन्स है वो हम जरा देख लेते हैं। पहली ट्रांजेक्शन जो मेरे पास है वो है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सो सीरियल नंबर वन आप रखेंगे इधर, और यहाँ लिखेंगे हम क्या, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमें मोहन ने स्टार्ट किया है बिजनेस विद कैश। तो मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितना है वो हम जरा लिखते हैं, विद कैश। तो आपने यहाँ पे कितना है वो रुपीज अमाउंट आपको अगर होगा तो लिख सकते हैं, That is 60,000. So, ये transaction एक है, मोहन अपना business start करता है, ठीक है, with cash, that is 60,000. और ये इसमें accounts क्या क्या involved होते हैं वो जरा देखते हैं। मोहन जो है वो businessman है, businessman को हम, और इसमें एक हमारे पास business मोहन account तो नहीं आएगा क्योंकि उसी के account से ये capital से represent करता है। और इसमें हमारे पास पहला account जो है वो है cash account, और दूसरा account इसमें हमने देखा that is capital account. So, accounts involved में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले कि ये अकाउंट के नाम क्या है, accounts involved का मतलब accounts के नाम क्या है। तो हमने पहला देखा इसमें कैश अकाउंट है, दूसरा हमने देखा मोहन दैट इज अ बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन जो भी बिजनेस बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल कहते हैं। तो इसमें एक और आता है कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद रही बात नेचर, नेचर अब हमें देखना है कैश अकाउंट का नेचर क्या है, वो है बिजनेस की बिजनेस प्रॉपर्टी, दैट इज अ रियल अकाउंट। कैपिटल क्या है, ये एक मोहन इंसान है पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आ गया पर्सनल अकाउंट। अब रिमार्क्स भी आप इसमें लिख सकते हैं, रिमार्क्स आपको सिंपल तरीके से रख सकते हैं, मुझे बताइए इस ट्रांजेक्शन से कैश आ रहा है कैश जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं कैश आएगा बिजनेस में, कैश कम्स इन, कैश कम्स इन। और मुझे बताइए जो मोहन है ना इन पैसों का रिसीवर है कि गिवर है, तो हम लिख सकते हैं मोहन इज अ गिवर, मोहन इज अ गिवर। तो अगर हम इन फॉर्मूला से पता कर सकते हैं किस चीज को हम डेबिट करना है किस चीज को क्रेडिट करना है तो हम पता कर सकते हैं। कैश अकाउंट जो है एक रियल अकाउंट है, सो फॉर्मूला कहती है डेबिट द रसीद, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट की फॉर्मूला है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो हम कहते हैं कैश इज कमिंग इन, सो कैश इज कमिंग इन, सो हमारे पास जो कैश अकाउंट है कैश अकाउंट यहाँ पे हमारा डेबिट होगा। और जो बेटे दूसरा हमारे पास मोहन है, हमें फिर देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ट्रांजैक्शन में एक पार्ट पता चल गया दूसरा उसका अपोजिट होगा। अगर आपको ये पता चला कि ट्रांजैक्शन डेबिट है एक में डेबिट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्रेडिट होगा, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट है और प्रेजेंट मोहन को कर रहा है तो हम पर्सनल अकाउंट इसको मानते हैं। पर्सनल अकाउंट की फॉर्मूला है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो मुझे बताइए मोहन इज अ रिसीवर ऑफ दिस मनी दैट इज 60,000 और ही इज अ गिवर ऑफ दिस मनी टू द बिजनेस। मोहन इज अ गिवर बिकॉज मोहन ने पैसे बिजनेस को दिए, वो गिवर है, तो हम लिख सकते हैं इधर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट।
कैपिटल जो है कैपिटल अकाउंट हम आपके यहाँ पे प्रेजेंट करना, तो मैंने इसको सी आर लिखा। तो हमें एनालिसिस इस ट्रांजेक्शन की प्रॉपर एनालिसिस हमने की। हमने एनालिसिस में ये जाना कि हमने देखा कि दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए, नाम है कैश अकाउंट, दूसरे का नाम है कैपिटल अकाउंट। फिर उनका नेचर ऑफ अकाउंट जाना। नेचर अकाउंट का मतलब हो गया कि पर्सनल है कि रियल है कि नॉर्मल है, तीनों में से कोई ना कोई होगा, क्योंकि इंग्लिश अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग हम अभी देख रहे हैं। तो हमने देखा कैश इज अ रियल अकाउंट और कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। फिर हमने देखा इसके रिमार्क्स, क्या कैश बिजनेस में आ रहा है कि कैश बिजनेस से जा रहा है। इस वाली ट्रांजेक्शन से हमने ये पाया कि कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस। और हमने ये देखा जो मोहन है, दैट इज अ कैपिटल अकाउंट, जो प्रेजेंट कैपिटल को कर रहा है, हमने देखा मोहन इज नॉट रिसीवर, ही इज अ गिवर। तो फिर हमने जब फॉर्मूलाओं से पूछा, रियल अकाउंट की फॉर्मूला को पूछा, बोला वो उसने कहा रियल अकाउंट की फॉर्मूला कहती है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश इज कमिंग इन, सो वी हैव डेबिटेड द कैश। और मोहन के लिए हमने ये पता किया वेदर द मोहन डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि मोहन इज अ पर्सनल अकाउंट, कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। हमने कहा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, सो गिवर है मोहन, हमने क्रेडिट इसको कर दिया। इस तरीके से ट्रांजैक्शंस हमारी रिकॉर्ड होगी और इसकी एनालिसिस कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम दूसरी एक ट्रांजेक्शन को उठा लेते हैं, उसको एनालिसिस करेंगे। नंबर टू हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे मेरे पास दूसरी ट्रांजेक्शन है, दैट इज कैश सेल। यहाँ पे मुझे पास दूसरी ट्रांजेक्शन दी गई है कैश सेल्स, रुपीज 10,000, हमें 10,000 की सेल हुई है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होता है। तो अकाउंट पहला इन्वॉल्व होता है, दैट इज अ कैश अकाउंट, और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व होता है, दैट इज अ सेल्स अकाउंट। तो हमारे दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक कैश दूसरा सेल्स। सो हमने नेचर ऑफ अकाउंट जानने की कोशिश की, कैश इज अगेन रियल अकाउंट, कैश क्या है रियल अकाउंट, सेल्स जो बेटे है, सेल्स क्या होता है, रेवेन्यू से जनरेट होता है ये। सो यहाँ पे देख लीजिए बेटे, आप यहाँ पे देख लीजिए, सेल्स जो हमारे पास हो रहा है दैट उससे रेवेन्यू हमारे लिए है, सेल्स के थ्रू हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, वो हमारे लिए गेन के बराबर है। तो अब ये हमारे नॉमिनल अकाउंट हो गया, डेबिट हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस, तो सारे एक्सपेंसेस लॉसेस गेन्स इनकम्स वो सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो हमने रियल अकाउंट में इसका देखा, क्या कैश सेल्स करने से कैश आएगा कि कैश निकलेगा। तो ऑब्वियसली बात है कैश इज कमिंग इन, कैश कम्स इन, सो कैश कम्स इन अगर है तो ये अच्छी बात है। सेल से मुझे बताओ सेल का नेचर क्या है, दैट इज अ गेन फॉर अ बिजनेस, सेल से हमें गेन होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। सो हम रियल अकाउंट से पूछते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमने देखा इस ट्रांजेक्शन से कैश आया, कमिंग इन हुआ है कि गोज आउट है, तो हमने कहा कम्स इन है, तो हमने कहा कैश अकाउंट यहाँ पे फिर से डेबिट होगा। और सेल क्या है, सेल हमारे लिए सर, क्या सेल्स के जरिए हमें रेवेन्यू जनरेट होता है, क्या सेल हमें गेन का होने का एक जरिया बनता है, हाँ बन जाता है। हमने कहा नॉर्मल अकाउंट की फॉर्मूला क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। सर क्या सेल हमारी इनकम है कि लॉस है, ये हमारे गेन होने का जरिया है। तो हमने कहा कि हमारा सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेंगे, सेल्स का अपोजिट परचेज होता है, ये हमारे हमेशा इनका इफेक्ट भी अपोजिट में लगता है। अगर सेल्स आपने देखा क्रेडिट होगा, परचेजेस भी इसका अपोजिट डेबिट होगा। अगर सेल हमेशा, अगर हमने आपको याद रखना है, सेल को हम मोस्टली क्रेडिट करते हैं, ठीक है, सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड, ठीक है। अब जो इसका अपोजिट परचेज है तो वो डेबिट होगा, याद रखना। सेल अगर क्रेडिट होगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, तो परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, उसका भी हम प्रॉपर नेचर और ट्रांजेक्शन में देख लेंगे। तो हमारा फिलहाल ये देखा, दो ट्रांजेक्शन की हमने एनालिसिस की, दूसरी ट्रांजेक्शन जो थी जिसमें हमने देखा कैश सेल्स हमने किया था, कैश सेल्स से रिलेटेड हमने ट्रांजेक्शन देखी, उसके एनालिसिस करने के बाद हमने ये पाया इसमें एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व होता है, दूसरा इसमें बेटे सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व होता है। फिर हमने देखा कैश का नेचर रियल है, सेल्स का नेचर नॉमिनल है। तो हमने कहा रियल अकाउंट में, हमने इसकी रिमार्क्स को देखा, हमने देखा कैश इज कमिंग इन और हमने देखा सेल इज अ गेन। सो हमने फिर जो फॉर्मूला से पता किया, सो हमने ये पाया कैश डेबिट होगा और इसमें सेल्स क्रेडिट होगा। सो अब आपको ये एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन क्या चीज सिखाता है, एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन आपको बेटे इस चीज का क्लियर कंसेप्ट देता है कि किस चीज को डेबिट करना है, किस चीज को क्रेडिट करना है। सो हम अभी जो पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ रहे हैं, ये जर्नल की फाउंडेशन है। आपने एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन सीख लिया तो जर्नल करना बहुत ही आसान है। इज दिस क्लियर?
ओके नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ जाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सैलरीज पेड। हमारे पास एक ट्रांजैक्शन दी गई है सैलरीज पेड। सो सैलरीज पेड हमारी एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। सैलरीज हमने दिए हैं 2000 रुपए, ठीक है, या 20,000 रुपए। तो इसमें क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व होता है सर? सबसे पहले तो इसमें फिर से कैश आएगा, कैश अकाउंट आएगा, और सर इसमें दूसरा अकाउंट है सैलरीज अकाउंट। सैलरी तो हमारे लिए एक्सपेंस है, सो हमें नेचर ऑफ अकाउंट जाना। सर रियल अकाउंट है, कैश तो रियल अकाउंट है, सर सैलरीज तो नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करेगा क्योंकि एक्सपेंस है हमारे बिजनेस का। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है? एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स एंड इनकम। सर ये तो लॉस है तो इसी में आएगा, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। सो ये हमारे पास जो सैलरी पेड है, सो सैलरी क्या हमारे लिए है? तो हम कह सकते हैं सर सैलरी इज एन एक्सपेंस। सैलरी क्या हमारे लिए है? सैलरी एक्सपेंस हमारे बिजनेस के लिए है। और जो कैश मुझे बताइए सर, आज कैश निकल रहा है, हम सैलरी दे रहे तो कैश नहीं आएगा, कैश निकलेगा। सो आज हम लिखेंगे कैश गोज आउट, कैश गोज आउट। तो हमने जब सर कहा कैश गोज आउट, फॉर्मूला रियल अकाउंट से पता करते हैं। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने कहा आज कैश हमारा निकल रहा है क्योंकि हम सैलरी पे कर रहे हैं। सो आज जो कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट आज हमारा क्रेडिट होगा, मैंने CR लिखा। सर सैलरी जो है ना वो एक्सपेंस है, नॉर्मल अकाउंट से पूछ लेते हैं, नेचर इसका नॉर्मल अकाउंट है सैलरी का। सैलरी में हम कहते हैं इट्स एन एक्सपेंस। हमने कहा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। सर ये तो एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट जो हमारा है, सैलरी सर जो है ये डेबिट हो जाएगा। तो हमने देखा ये ट्रांजैक्शन को एनालिसिस करते हुए, सर सैलरीज पेड में हमने 2 अकाउंट्स पाए, एक का नाम कैश अकाउंट था, दूसरे का नाम सैलरीज था। कैश अकाउंट रियल अकाउंट से बिलोंग करता है, सैलरीज नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करता है। हमने रिमार्क्स में थोड़ा एनालाइज किया तो हमने दिखाया कैश इज गोइंग आउट एंड सैलरी इज एन एक्सपेंस। सो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को एनालिसिस कर लेते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को एनालाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में दी गई है रेंट रिसीव्ड 1000 रुपीज। आप पूरा गौर करेंगे, रेंट रिसीव्ड 2000 रुपीज। हम रेंट किसी चीज से ले रहे हैं, सो दैट मींस हम जो रेंट किसी चीज का ले रहे हैं, आज हम लैंडलॉर्ड है, हम टेनेंट नहीं है। आपको एक होता है रेंट पेड, आप जब किसी चीज को किराए पे लोगे तो उसी का रेंट पे करोगे, लेकिन आप जब किसी से रेंट लोगे तो दैट मीन आपने कोई चीज हायर पे दिया होगा तो आप उसको रेंट ले रहे हो। सो रेंट का रिसीव हो रहा है आपका। सो इसमें सर कितने अकाउंट है? 2, एक हो गया इसमें रेंट अकाउंट और इसमें फिर से आ गया कैश अकाउंट। कैश तो हर एक ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे सब में ट्रांजेक्शन पे कैश था। अब रेंट हमारे पास सर क्या है? सर रेंट हमारे लिए एक्सपेंस नहीं है, आज हमारे पास रेंट आज गेन है, ये हमें इनकम कमाने का एक जरिया बन गया क्योंकि हमने कमरा एक रेंट पे दिया, हम टेनेंट से किराया ले रहे हैं, किराएदार से किराया ले रहे, रिसीव कर रहे, तो हमारा रेंट जो है ना ये गेन है, ये हमारे लिए गेन है। दैट मीन्स अगर गेन है तो सर फिर कौन सा अकाउंट हो गया? ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। और हमारे पास कैश है सर, ये तो रियल अकाउंट है। सो हमने एनालाइज किया व्हाट इज अ रेंट, रेंट इज अ गेन। रेंट हमारे लिए आज क्या है? रेंट हमारे लिए गेन है, रेंट इज गेन। तो और सर कैश जो है ना, मुझे हमें बताइए क्या आ रहा है कैश की जा रहा है? मैं कह रहा हूँ जा रहा है, आ रहा है, कैश इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन, क्योंकि हमें उसे पैसा लेना है, कैश इज कमिंग इन। सो रियल अकाउंट से पूछा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर कैश आ रहा है, सो कैश अकाउंट आज डेबिट होगा, तो हमने कैश को डेबिट किया। सर रेंट हमारे लिए गेन है, नॉमिनल अकाउंट से पूछते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। सर ये तो गेन है ना हमारा, तो हमारे लिए रेंट जो है, रेंट आज हमारे लिए क्रेडिट होगा, इसमें कैश डेबिट हुआ, रेंट क्रेडिट हुआ, तो हमने इसकी एनालिसिस भी कर ली। इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एक उठाते हैं, उसकी एनालाइज करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। मुझे एक ट्रांजैक्शन दी है परचेज एंड फर्नीचर फॉर ₹2000। ट्रांजैक्शन मुझे दी गए हैं परचेज एंड फर्नीचर फॉर 2000। दिया गया है ट्रांजैक्शन, थोड़ा कैमरा को मैं चेंज कर लेता हूँ लोकेशन, परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर ₹2000। अमाउंट को मैं अभी नहीं देख रहा हूँ, फिलहाल हम सिर्फ डेबिट एंड क्रेडिट को देख रहे हैं। सो सर कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ? पहले इसमें फर्नीचर अकाउंट आएगा, सो फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व हुआ। और सर इसमें दूसरा अकाउंट कौन सा है? इसमें कैश अकाउंट भी है। सो फर्नीचर जो है वो हमारे लिए क्या है बेटा? फर्नीचर इज एन एसेट,
टू अस, फर्नीचर हमारे लिए एक एसेट है, तो सर फर्नीचर रियल अकाउंट हो गया, सर कैश भी रियल है आज, सर क्या ऐसा हो सकता है एक ट्रांजैक्शन में नेचर सेम अकाउंट का होगा? हाँ ऐसा पॉसिबल है, आपको एक ही ट्रांजैक्शन में सिमिलर नेचर के दोनों अकाउंट, सारे अकाउंट मिल सकते हैं। सो सर इसका रिमार्क्स देखते हैं, सो कैश इज कमिंग इन और कैश इज गोइंग आउट, आप परचेज कर रहे हो फर्नीचर, कैश तो निकलेगा, सर कैश इज गोइंग आउट, हम लिख रहे हैं इधर कैश इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट, कैश हमारा बिजनेस से जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट। फर्नीचर, फर्नीचर क्या है? फर्नीचर रियल अकाउंट है, फर्नीचर क्या है? रियल अकाउंट है, फर्नीचर हम हमारे लिए एसेट है, तो फर्नीचर हम ला रहे हैं ना, सो फर्नीचर इज कमिंग इन, फर्नीचर इज कमिंग इन, फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, कमिंग इन। सो फॉर्मूला रियल अकाउंट को पूछ लो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो सर पता चला फर्नीचर इज कमिंग इन तो फर्नीचर फिर डेबिट होगा, फर्नीचर का हमने डेबिट कर दिया, सर कैश इज गोइंग आउट, सो कैश हमारा सिंपली क्रेडिट हो जाएगा, तो हर एक ट्रांजेक्शन का आपका डेबिट इफेक्ट आएगा, दूसरा क्रेडिट इफेक्ट आएगा, डेबिट इफेक्ट भी होगा क्रेडिट इफेक्ट भी होगा, सो हमने देखा कि हर एक ट्रांजेक्शन में डेबिट इफेक्ट आ रहा है, दूसरा क्रेडिट इफेक्ट आ रहा है, बात आपको अंडरस्टैंड कर ली होगी। तो इस तरीके से हम एक और ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, हम एक ट्रांजेक्शन को और एनालाइज कर लेते हैं, तो ये बात आपने याद रखी कि एक ही ट्रांजेक्शन में आपके पास एक ही नेचर का भी अकाउंट इन्वॉल्व हो सकता है। तो नंबर सिक्स मेरे पास एक ट्रांजेक्शन है, वो है परचेज्ड गुड्स, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रहीम, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रहीम, सो रहीम से हमने गुड्स खरीदे, बराबर जैसे अपने अकाउंट इक्वेशन में सीखा, कोई पैटर्न आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है, गौर से जरा देख लीजिए। सर इसमें कौन कौन सा अकाउंट आया? सर इसमें पहला आया परचेज अकाउंट, जब गुड्स लिखा है तो हम परचेज लिखते हैं, अगर गुड्स के बदले कोई नाम लिखा होता जैसे यहाँ पे फर्नीचर लिखा था, हमने फर्नीचर ही लिखा क्योंकि वहां पे एसेट होता है ये, ठीक है, तो क्रेडिट फ्रॉम, और इसमें सर रहीम अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, पैसा तो कैश इसमें नहीं इन्वॉल्व होगा क्योंकि पहली क्रेडिट ट्रांजेक्शन हमने इसमें देखी, हम आज रहीम से उधार पे ले रहे, सर रहीम अकाउंट आएगा बुक्स में। सो परचेज का अकाउंट नेचर क्या है सर? वो नॉमिनल अकाउंट है। सर रहीम का नेचर क्या है? वो पर्सनल अकाउंट है और वो भी नेचुरल पर्सनल है। सर रिमार्क्स जरा देख लेते हैं, सो रिमार्क्स में हम क्या कह रहे हैं, जो ये गुड्स है ना हमने किससे खरीदी है? रहीम से। मुझे बताओ रहीम इन गुड्स का गिवर है कि रिसीवर है? सर वो गिवर है क्योंकि वो हमारा सप्लायर है, वो हमें दे रहा है, सो सप्लायर, सो रहीम इज अ गिवर, रहीम इज अ गिवर, रहीम हमें दे रहा है तो रहीम बन गया गिवर। सर जो परचेज है ना, सो व्हाट इज अ परचेज? सर परचेज, परचेज इज एन एक्सपेंस, परचेज क्या है? एक्सपेंस। सो यहाँ पे आपको पता चला होगा अगर रहीम गिवर है तो रहीम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट कहता है ना डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रहीम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और इसमें हमारे पास जो है, जो इसमें हमारे पास है नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस, वो है हमारा परचेजेस, और परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो गया और जो हमारा रहीम अकाउंट है वो क्रेडिट हो गया। अब इस तरीके से हमने देखा कैसे एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो वीडियो से क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। तो नेक्स्ट की वीडियो में हम देखेंगे फर्दर कैसे इलस्ट्रेशंस को हम करेंगे और जिसमें हम जर्नल का फॉर्मेट भी देखेंगे, इसको प्रॉपरली आप फिर से एक बार देख लीजिए, आप होम असाइनमेंट कर लीजिए जिसमें आप एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस इसी तरीके से करेंगे, और कभी कभार कोई ट्रांजैक्शन ऐसी भी होगी जिसमें तीन अकाउंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। सर क्या दो से ज्यादा भी अकाउंट इन्वॉल्व हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, कोई एक से ज्यादा अकाउंट भी हमारा इन्वॉल्व हो सकता है, एक ट्रांजेक्शन में एक से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट लेकिन बराबर आना चाहिए। सो अगर हम वो एक ऐसी ट्रांजेक्शन को देख ले जहाँ पे हमारे पास एक से ज्यादा इन्वॉल्व होता है, उसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं, देख लीजिए पहले ट्रांजेक्शन नंबर 7 देखिए, रिसीव्ड, इसको पहले क्लोज कर लेते हैं, रिसीव्ड रुपीज 5000 फॉर 4900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम फ्रॉम मिस्टर, फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम 5000 लिखेंगे फ्रॉम मिस्टर एक्स, हमें 5000 रुपए एक्स से लेने थे
लेकिन हमने सिर्फ 4,900 लिए, तो इसका मतलब है डिस्काउंट इसमें आ गया 100 रुपए। वो देख लीजिए क्या क्या अकाउंट इसमें आएगा। सर इसमें कौन कौन सा अकाउंट आएगा? सर इस एक तो आएगा एक्सिस अकाउंट, एक इसमें आएगा कैश अकाउंट, और इसमें एक और आ गया डिस्काउंट अकाउंट। तो इसका मतलब हुआ कि 3 अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हुए। एक्स क्या है? एक्स पर्सनल अकाउंट है। कैश क्या है सर? वो रियल अकाउंट है। सर डिस्काउंट क्या है? वो नॉमिनल है, क्योंकि एक्सपेंस एंड लॉसेस इसी में आते हैं। डिस्काउंट या तो एक्सपेंस हो गया तो गेन होगा। एक्सपेंस तब होगा जब आप किसी को डिस्काउंट दोगे, गेन तब होगा जब आप किसी से डिस्काउंट लोगे, छूट आपको कोई कर देगा तो उस समय ये। तो पर्सनल अकाउंट तो हम सर बात करेंगे पहले किसकी? कैश की। क्या कैश इज कमिंग इन? तो हमने लिखा सर कैश इज कमिंग इन, कैश वापस आ रहा है। कैश इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन। सर एक्स का क्या है? सर एक्स, एक्स इज गिवर, एक्स हमें दे रहा है पैसे, तो हमने लिखा एक्स इज गिवर, ठीक है। और सर जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? डिस्काउंट इज अ काइंड ऑफ अ लॉस टू अस। डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, क्यों? क्योंकि हमें 100 रुपए नुकसान हो गए। 5,000 लेने थे, 4,900 ही लिए, तो हमारा ये आ गया। तो अब फर्म सर कैसे डेबिट क्रेडिट करेंगे वो जरा दिखा लीजिए। सो सबसे पहली बात है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट इसमें डेबिट होगा, है ना? डेबिट होगा 4,900, ओके। और डिस्काउंट इज अ लॉस, दैट इज नॉर्मल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। सो डिस्काउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट हमारा डेबिट हो गया 1,000। और किसने दिया? एक्सेस अकाउंट, एक्सेस अकाउंट में बराबर आएगा क्रेडिट 5,000। हमारा उसके साथ हिसाब पूरा 5,000 का खत्म हो गया, लेकिन इसने दिए 4,900 रुपीज आ गए किसमें? डिस्काउंट में। तो हमें देखा किस तरीके से एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं कि कैसे आगे और ट्रांजैक्शंस के एनालिसिस करेंगे। आज आप एक असाइनमेंट कर ले, आप ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना तो आपने सीख लिया। अगर कोई थ्योरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बोल सकते हैं, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं ग्रुप में भी। और भी अगर कोई बच्चा है जो उसमें ज्वाइन करना चाहता है, जो हमारे ग्रुप में नहीं है, आप उसको भी हम इस समय पैंडेमिक सिचुएशन में फ्रीली पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे, हम भी अपना खुदा।